अम्मी का क्या होगा? आप अम्मी को मैसेज करो, उनको बोलो मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो। मैसेज किया तो वो घर वापस बुलाएंगी मुझे। आप थोड़ा सा तो प्रेशर डालेंगी ना बॉस, और अगर आप वापस गई तो फिर आपकी शादी हो जाएगी। अब नहीं करेगा वो मुझसे शादी? नहीं बॉस, वो तो बहुत चाहता है आपको, वो तो करेगा। पता नहीं। आपको नहीं पता कि वो आपको चाहता है? जो चाहते हैं वो ऐसे नहीं करते, और उसने जो किया उसको तो एहसास भी नहीं है उसको। अबे देख देख, तोता और मैना की जोड़ी, लगता है तोता समझ नहीं रहा है मैना से। बेचारी कैसे रो रो के अलकान हो रही है। वैसे लड़की है बड़ी मस्त। अबे ये क्या कर रहा है? ऐसे किसी की तस्वीर लेना अच्छी बात नहीं होती है। चुप कर अम्मी जान। ठीक है बॉस, आप परेशान नहीं हो। आपने अपने अम्मी को कहा ऐसा? मैं समझाया उनको, वो नहीं समझती। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि घर से निकली क्यों हूँ। नहीं निकलना चाहिए था। बस मैं तो कहता हूँ आप अभी भी वापस जा सकती हो। बताया तो है कि घर पे पुलिस खड़ी, कैसे जाऊँ वापस? हाँ ये तो है। बस मेरी बात मानो तो, आप अम्मी से बात करो, उनको समझाओ कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर मेरे साथ देख लिया ना आपको तो अपना तो बैंड बच जाएगा। चलो 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 जल्दी से। इसे देखा है? मगर वहां तो कोई भी नहीं है। भी तो यही थी, कहां चली गई? कहां गई? जाओ जाके चेक करो। किसी के साथ थी क्या? हाँ कोई लड़का था ना, तुमने तस्वीर तो ली थी ना, दिखाओ सर को। दिखाओ मुझे पिक्चर। हाँ वही लड़की है। और मैं कह रहा था ना कि लड़के का चक्कर है, ऐवे इसके घर वाले बातें कर रहे थे और मिला उसके मंगेतर को फोन। सर वहां नहीं है। सर बेल जा रही। हाँ जी फरदीन साहब, आप तो कह रहे थे कि लड़की किसी के साथ नहीं भागी है और वो तो किसी लड़के के साथ भागी है। इंस्पेक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, अजमी ऐसी लड़की नहीं है, उसका किसी लड़के से कोई चक्कर नहीं है, आप सही से तलाश करें। और नहीं जनाब, वही लड़की है, मैं आपको भी तस्वीर भिजवा रहा हूँ।